हेलो फ्रेंड्स, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बने हुए बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मेदू वड़ा। वैसे तो ये अधिकतर उड़द दाल से बनाए जाते हैं, पर मैं आज यहाँ पर झटपट से तैयार होने वाले और बहुत ही टेस्टी सूजी से बने हुए मेदू वड़ा बना रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। मैं अभी एक वड़ा आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, तो ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट वड़ा हैं और ये कितने जालीदार बड़ा बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मेदू बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली है, इसे मैं मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ। साथ ही आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही डालेंगे। अगर दही खट्टा होगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें हमें हल्का सा खट्टा दही चाहिए। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, थोड़ी सी किशमिश। काजू और किशमिश बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो इन्हें स्किप कर दें, पर इससे बड़े में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हींग डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ये बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए हम पहले दही के साथ ही मिक्स करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तब थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी ये बैटर हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा ये बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये बड़ा आसानी से नहीं बनेंगे। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, तो हमारा ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब हम बैटर को ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, तो ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है और इसने पूरा पानी सोख लिया है। हमारा जो ये बैटर है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बैटर है। थोड़ी देर बैटर को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि हम जब बड़ा बनाएं तो हमारे बड़े अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हों। एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर सोडा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम खमीर नहीं उठा रहे हैं और हम इंस्टेंटली मेदू वड़ा बना रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा सोडा डालना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारा बैटर परफेक्ट तैयार है या नहीं। इसके लिए हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और डो की इस तरह से बॉल बनाएंगे, तो ये बॉल हमारे हाथों में चिपकनी नहीं चाहिए। ये देखिए, हमारी बॉल हाथों में चिपक नहीं रही है, यानी बड़ा बनाने के लिए हमारा परफेक्ट डो तैयार है। और यहाँ पर मैंने बड़ा को फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, पानी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ये जो हमने बॉल बनाई थी, इसको हल्का सा चपटा करेंगे और मेदू बड़ा का शेप देंगे। इसके सेंटर में उंगली से इस तरह से होल करेंगे। बड़ा का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसमें हमें आर पार इस तरह से होल करना है, तो ये देखिए हमारा ये बड़ा बनकर तैयार है। और यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बड़ा को तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए और हम इसी तरह से दूसरा बड़ा भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये दूसरा बड़ा बनाकर भी तैयार कर लिया है, इसे भी हम तेल में डाल देते हैं। एक बार में 3 या 4 बड़ा डालकर फ्राई करेंगे। लगभग 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, हमने जो पहले बड़ा डाला था ये चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है और दूसरा बड़ा भी सिक गया है।
हम इन्हें पलट देते हैं। सूजी के बड़ा को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें हमें एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं। और एक बैच को सिकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। इन्हें हमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने जो पहले बड़ा डाला था इसमें बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बड़ा भी सिकने देते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये उड़द दाल वाला मेंदू बड़ा है, पर हमने ये सूजी से बनाया है। ये हमारे दोनों बड़े भी सिक गए हैं। अब हम इन्हें भी तेल से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बड़ा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मेंदू बड़ा बनकर तैयार हैं। आपने देखा फ्रेंड्स, इसे बनाना कितना आसान है और ये कितनी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको एक बड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और कितने जालीदार बड़ा बनकर तैयार हुए हैं। इनकी सॉफ्टनेस देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बड़ा बने हैं। आप ये मेंदू बड़ा सांभर के साथ, नारियल की चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सांभर और नारियल की चटनी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये मेंदू बड़ा कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।